नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आई नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। सुजालपुर, आज सावन सोमवार का अंतिम दिन है। शिव के भक्त आज सुबह से ही शिवालयों पर बाबा महादेव की भक्ति में रमे नजर आ रहे हैं। शिवालयों में अभिषेक पूजन तथा हवन कर श्रावण मास का समापन किया जा रहा है। मंडी में जीन स्थित विचित्र वीर हनुमान मंदिर पर भी स्थापित श्री रामेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में पंडित गोलू तिवारी, मनोज शर्मा, सुनील शर्मा तथा जयप्रकाश शर्मा द्वारा रुद्राभिषेक संपन्न कराया गया। यहां स्थित रामेश्वर ज्योतिर्लिंग पर घी, दूध, दही, शहद, विजया इत्र से अभिषेक किया गया। तत्पश्चात शिवलिंग का चंदन, अक्षत तथा फूलों से श्रृंगार किया गया। अभिषेक में बैठे भक्तों ने ज्योतिर्लिंग की आरती उतारी। संपन्न हुए हवन में कोरोना वायरस की समाप्ति तथा क्षेत्र में बेहतर वर्षा के लिए आहुतियां डाली गईं। मंदिर के पुजारी पंडित छगनलाल तिवारी ने बताया कि प्रतिवर्ष सावन मास में रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष 151 अभिषेक संपन्न हुए। इस सावन मास दुर्लभ संयोग देखने को मिला है। सावन मास की शुरुआत सोमवार से हुई तो इसका समापन भी रक्षाबंधन के साथ सोमवार को ही हो रहा है। ठीक इसी तरह हरियाली अमावस्या सोमवार को आई है तथा दो प्रदोष का सहयोग भी श्रावण मास में बना है। ये संयोग भोले के भक्तों के लिए दुर्लभ है। अतिथियों के घटत बढ़त के कारण यह संयोग श्रावण में सालों बाद बन पाया है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी श्री विचित्र हनुमान मंदिर स्थित रामेश्वर शिवालय पे रुद्राभिषेक का आयोजन प्रतिवर्ष अनुसार इस साल भी रखा गया है। भगवान रामेश्वर का नित्याभिषेक पूजन ब्राह्मणों द्वारा संपन्न हो रहा है। इसके संकलन में आज पूर्णाहुति के लक्ष्य में बाबा का विशेष श्रृंगार एवं हवन पूजन के साथ सावन मास के इस रुद्राभिषेक का समापन होगा। वर्षा के लिए और कोरोना महामारी दूर भगे, भगवान सभी पे भक्तों पे कृपा करें कि महाकालेश्वर भगवान रामेश्वर की कृपा बनी रहे। खबर समय जगत के लिए सुजालपुर से गोविंद जाधव की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।